फैसला पेनल्टी किक के द्वारा किया गया, जिसमें मिंज ब्रदर्स ने संजौन फुटबॉल क्लब रांची को 4-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर अपना स्थान सुनिश्चित किया, जहां पर उसका मुकाबला पहले फाइनल में स्थान बना चुके भगत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएमपी के साथ होगा। और दर्शक बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि ठीक मैदान के बीच में बालिकाएं भी किसी से कम नहीं, इस बात को चरितार्थ करते हुए दोनों टीम मैदान में प्रवेश कर चुकी है। आप तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करें। और दूसरे सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मेज ब्रदर्स के गोलकीपर मिस्टर अमन को जाता है। और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे पत्रकार बंधु मिस्टर अजीत जायसवाल। अमर शहीद वाल्टर गुड़िया फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रवेश कर चुकी दोनों फाइनलिस्ट भगत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएमपी वर्सेस मिंज ब्रदर्स, दोनों टीमों के कोच मैनेजर से कमेटी आग्रह करती है कि आप 20 मिनट के बाद फाइनल मैच खेलने के लिए मैदान में प्रवेश करेंगे। Bye.
आग्रह करती है कि आप जल्द से जल्द अपनी टीम को लाइनअप कर लें। अभी जो आप बालिका वर्ग में मैच का आनंद उठा रहे हैं एफसी कोटी फाइनल में पहुंचने वाली टीम मींच का फाइनल मैच मींच झारखंड टायर तोरपा
बीकेबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल तोरपा, अर्बन टाइल्स कुलडा तोरपा, डीवीआर बिजवे धीराज आयुर्वेदा तोरपा, टेंट मेन रोड तोरपा, बसंत फोटोग्राफी मेन रोड तोरपा।